अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, इट्स मी हमजा अंसारी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। बाकी कल चांद नहीं निकला था इसीलिए आज अलविदा है, और कल चांद निकल जाता तो आज ईद होता, लेकिन मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे कल चांद नहीं निकले, क्योंकि पिछले जुम्मा अलविदा नहीं हुआ था। मैं बोला चांद नहीं निकलेगा तो एक दिन और मिल जाएगा जुम्मे का, उस दिन अलविदा हो जाएगा। बाकी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मदीने बहुत रश होगा इसलिए आज मैं नमाज लेकर जाना ज़रूरी है। ठीक है, मैं नमाज से पढ़ कर आगे फिर मिलता हूँ। मैं नमाज पढ़ कर आ गया हूँ, बाकी फिर से आप लोगों को अलविदा मुबारक और ईद मुबारक, चांद मुबारक, सब मुबारक आप लोगों एडवांस में। बाकी मैं गया था नमाज पढ़ने के लिए, अब अलविदा अलविदा सुनने बहुत मज़ा आता है अलविदा वाले दिन। अब तक का हुआ तो नहीं है, भी आवाज़ आएगा उस पर सुन के एकदम सुकून मिलता है। बाकी मैं सोच रहा था कि कब्रिस्तान जाऊँगा, लेकिन अभी बाइक तो है नहीं मेरे पास। मैं एहतसाम या रजा को कॉल करता हूँ, दोनों से किसी के पास भी बाइक होगा मैं उसके साथ जाऊँगा फिर कब्रिस्तान, क्योंकि आज अलविदा है, कब्रिस्तान जाना भी ज़रूरी है। लोग भेज करके मैं चेक करता हूँ, उन लोगों के पास गाड़ी हो तो फिर मैं कब्रिस्तान जाते हुए मिलता हूँ। बस मैं यही सुनने के लिए वापस मस्जिद गया था। बाकी मैं रज़ा और एहतसाम को दोनों को महज़ कर चुका हूँ, दोनों में से कोई भी महज़ देखेगा आ जाएगा। बाकी मैं कब्रिस्तान लोग दोनों आ गया तो मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान जाते हुए मिलता हूँ, या फिर कुछ काम हो मुझे कहीं जाना हो उस टाइम मिलता हूँ। एहतसाम से बात हुई थी, एहतसाम ने बोला कि बाइक नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया, वाइट स्पैनर्स पहना हुआ था, पता गंदा हो जाता है। मैं फ्री बैठा हुआ था घर में, मम्मा ने बोला कि फ्री बैठे हो तो गेट वगैरह सफाई कर दो बाहर। वही गेट वगैरह सफाई करने जा रहा हूँ, पता कल ईद है सफाई तो करना ही है, घर का सफाई वगैरह तो हो गया है, गेट वगैरह बाकी है, गेट हो गया, पिज़र हो गया, अब सफाई करना है। गेट वगैरह तो मैं पूरा सफाई कर दिया हूँ, अब मैं डायरेक्ट अफ्तार बाद मिलूँगा। ऐसे है आज चांद रात, अफ्तार बाद कुछ भी मैं आऊँगा, क्योंकि आज रात जागूँगा ऐसे भी, कहीं कहीं जाऊँगा तो फिर मैं उस टाइम में मिलता हूँ। अफ्तार के बाद मैं सो गया था और अभी अभी सो के उठा हूँ, वो भी नाफे आके उठाया तो इसलिए मैं उठा हूँ। बाकी अभी टाइम हो रहा है 4:36। मैं इतना सोचा होता कि रात में कहीं जाऊँगा, कहीं घूमूंगा बाहर वगैरह, ब्लॉग वगैरह इतना अच्छा बनाऊँगा, सारा मूड ख़राब हो गया। पता नहीं अफ्तार बाद क्या जहन माया, मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, आधा एक घंटा सो जा रहा हूँ, उठ के फिर निकलेंगे बाहर, जो सोया हूँ सो ही गया। वो भी आगे भी नाफे उठाया तो उठा हुआ, या उठता भी नहीं, वो आगे मुझे बोल रहा है कि कहीं बाहर चलने के लिए, देखते हैं बाहर निकल लूँ, देखते हैं कहाँ जाना है, कहीं भी जाऊँगा तो वहाँ पर जाके मिलता हूँ। नाफे घर से बोल के लेकर आया कि कहीं चलते बाहर, लेकर आया कहाँ यहाँ पर, मुझे लगा कहीं ले के जाएगा अच्छा जगह, और कोई जगह नहीं मिला। झूठ देखो इंसान का, ये मुझे लेकर आया कैफे, नहीं कैफे हो गया बंद तो ये खुद ही यहाँ लेकर आया, और मुझे वाह वाह उठा के कौन लेकर आया मुझे, वाह वाह उठा के लाया हूँ मैं, यहाँ भी लाया हूँ।
मतलब कि और तुम बता, मैं तुम्हारे से पूछा था कहीं कहाँ जाना, तुम बता रहे नहीं हो क्या करना है। तो कैफे में नहीं है क्या आपको, कैफे तो बंद था। तो यहाँ पटांग होटल लेके जाओगे पता का बाहर, मैं सोचा कि अच्छी जगह लेके जाओगे। चलोगे पैदल पैदल 11:30 चले? नहीं नहीं बहुत अच्छा जगह, ये बहुत अच्छा जगह। क्या ऑर्डर कर दियो? पराठा मंगवाया। बाकी क्या चीज़ है, नहा लेना, तुम्हारी कपड़ा पहनना सही है। रोड पे होगा, रोड पे होगा अगर ज्यादा लोगों में, वरना मस्जिद के अंदर, मस्जिद तो माशाल्लाह लोगों का बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, बाकी ये बाहर का अच्छा जगह मिला को अच्छा जगह लेके जाएगा। लेके आया पठान होटल, अभी ऑटो तो दिए, ऑर्डर आ गया, फिर मिलते हैं। जो ऑर्डर किए थे वो तो आ गया है, सबर कर लिया कर भाई, सबर कर थोड़ा बेटा। नमक डाल लो, नमक ये लोग नमक डालता नहीं है ना। अच्छा ठीक है, जो बाजार नहीं मंगवाया, थोड़ा बहुत मंगवाया था क्योंकि घर जाकर थोड़ा बहुत खाऊंगा, रात में मैं खा नहीं रहा था। कि पीछे भी एक रात मैंने कम से बोला तुमको पता है क्यों? मैं और दो बंदे हम लोग पहले से गए मेरे कैसे बैठे हम लोग बैठे हम लोग गए कब जब आप सो रहे थे एकदम मजे से आपके रात। हाँ आप बड़े बंदे, आप जा सकते हैं खेलने, क्या करें। खेलने में आए मतलब कि मुझे छोड़ कर आए थे, मतलब आप बड़े बंदे छोड़ के आए थे, जाके अपने घर में पूछिए। दो दफा हम लोग आए हैं और आप नहीं करते। ठीक है भाई, ठंडा हो जाएगा अभी, ऐसी हवा चल रही है। ठीक है, खाते सुबह देते कहीं जाना हो तो वहाँ जाके मिलता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट घर जाके मिलूँगा। नाफे को घर छोड़ के मैं घर आ गया हूँ अपने। बाकी अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सोचा उधर चांद रात को घूमूंगा, पर चांद रात ख़राब हो गया है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। बाकी इस व्लॉग का भी मैं एंड करूंगा, इसको एडिट करूंगा, डायरेक्ट अपलोड पे लगाऊंगा, क्योंकि छोटे बाद फिर मैं दूसरे व्लॉग को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने जाना होगा। अभी मैं आधा घंटा सिर्फ आराम करूँगा, वीडियो एडिट करके आधा घंटा आराम करूँगा, फिर नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा। नहाने वगैरह जाना है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ना है, बहुत काम है। बाकी इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। ओके।